Hello everyone. मैडम दरवाजा बंद कर दो। ऋतिक शर्मा, तुम्हारा कैमरा ऑन है। ऋतिक बाबू, तुम्हारा कैमरा ऑन है। और ऑन करना है तो बैठ के करो। अरे क्या चल रहा था, बताओगे कुछ? अरे हाँ भी बच्चों, आवाज तो आ रही है मेरी। यस सर। क्या चल रहा था, याद है कुछ? या नहीं याद है बेटा? सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बायेशियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्लास है अभी, में सर रियल एनालिसिस री एनालिसिस की है। कल है क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी, कल है बेटा। एमसीटी पे एग्जाम्पल तीन कर लिए थे, चौथा एग्जाम्पल है। तो नोट्स पढ़े किसी बच्चे ने? नोट्स में मजा आएगा तुम्हें बहुत पढ़ के। अभी मैं प्रोबेबिलिटी की भी शेयर करूंगा। जो लोग भी आए हैं आ जाए भाई, जरा देखें। तो इंक्रीजिंग स्टेप वन में क्या शो करते थे हम लोग? अरे आवाज आ नहीं रही मेरी, आप बोल नहीं रहे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। यस सर सर आ रही हाँ जी, हर्षिता जी। तो एन आपको पता है, एन प्लस वन हमने बना लिया है, क्या दोनों को माइनस करा जाए? यस और तो एन क्या बचेगा हमारे पास, एन प्लस वन माइनस वन एन, बाय तो वो 0 से बड़ा है कि छोटा है? अरे स्क्वायर है नेचुरल, ऑफ कोर्स। देयरफॉर कैन वी से दैट सीक्वेंस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अरे इंक्रीज स्टेप वन हो गया, करो अब क्या शो करना है स्टेप टू में? करो
To show sequence n is bounded above. तो बताओ an क्या था आपका? an को अगर मैं लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ n 1 to infinity summation 1 upon n square, yes or not? Yes. अच्छा, क्या मैं इसको फर्दर ब्रेक करके सेकेंड टर्म से लिखूं तो क्या लिखूंगा? फिर भी यही लिखूंगा क्या? अरे वन अलग कर दिया, टू से स्टार्ट कर दिया, क्या दिक्कत है हमारे को उसमें? अब कलर चेंज कर लेता हूँ, माहौल रंगीन हो जाए थोड़ा सा। ये स्टेप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि वन अपॉन के स्क्वायर छोटा बराबर होगा वन अपॉन के स्क्वायर। कोई भी चीज पूछोगे तो खुल के बता दी जाएगी, टेंशन मत लेना। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप। बोलो, समझ में नहीं आया? फिर आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन वन गिव्स कि जो ए एन है वो छोटा बराबर है वन प्लस समेशन चलेगा। वन अपॉन के स्क्वायर छोटा बराबर इससे ना, तो वन अपॉन एन स्क्वायर छोटा बराबर इससे होगा भाई, करेक्ट तो है बात। चलो एन के लिए कर देता हूँ इसको भी यार, मैंने क्यों ड्रामा किया फालतू का, क्यों के लगाया मैंने खाम खाम, मेरे को लगा डिफरेंट वेरिएबल से समझा दूंगा। हम टीचर अपने आपको ज़्यादा स्मार्ट समझने जाते हैं, उसमें ही रहता है, फैल जाता है। अब आ रहा है समझ में? बोलो यार, इक्वल टू वैल्यू पुट करो, एन की टू पुट करो इसमें, क्या आएगा बताओ? थ्री पुट करो, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, फोर पुट करो, वन बाई थ्री माइनस फोर, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? पक्का बोलो बच्चों, क्या ये इससे कटेगा, क्या ये इससे कटेगा? हाँ जी बोलो भाई। और ये इससे पिछले वाले से कटेगा, तो बचा क्या आपके पास? क्या ये नंबर टू से छोटा बराबर होगा? सो दिस सीक्वेंस एन इज बाउंड अबव बाय व्हिच नंबर? तो स्टेप थ्री में क्या लिखूंगा बताओ? इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? हाँ मैं आगे कराऊंगा सीरीज, जब चैप्टर कराऊंगा ना तब समझाऊंगा, ठीक है? ये थ्री स्टार प्रॉब्लम है, तो क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और बाउंड अप भी है, तो कन्वर्ज करेगा ना बाय विच थ्योरम? हाँ, तो एज
sequencing is monotonically increasing and bounded above. Therefore, sequence n converges by MCT. We are done with the question, guys. जोश में हूँ थोड़ा सा, मैं भी तभी जोश में हूँ. इतने बच्चे हैं, चार पांच तो आए होंगे. अच्छा कोमल आई है. कोमल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया. ओ चलो, ये क्वेश्चन कराया मैंने कोमल. तुम लेट आई हो, तुम आ गई थी? सर आ गई थी. ये एग्जांपल थ्री था शायद, है ना? फोर फोर फोर. एमसीटी पे चार प्रॉब्लम होगी ना हमारी. पिछली क्लास में तो कराई थी ना बेटा कुछ प्रॉब्लम्स. ये सब पाटिल शेबर्ट की प्रॉब्लम अपने घर से नहीं करा रहा हूं मैं. तो सोचो पाटिल शेबर्ट की एक्सरसाइज खत्म हो रही है आपकी, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ. आइए नेक्स्ट. अब एमसीटी का लास्ट फेज. एमसीटी प्रॉब्लम्स हैं ये, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम की प्रॉब्लम्स हैं, बेस्ड ऑन पीएमआई, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इंडक्टिव प्रॉब्लम्स. इंडक्टिव एक प्रॉब्लम सिखाऊंगा कोमल, अगर सारी ना आ गई तो बताना. सिर्फ एक सीखनी है, पक्का आएगी, कोई माइक अलार्म रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को आने में. इस तरह की प्रॉब्लम एक पक्का आती है. ये शगुन है पेपर में, पेपर का शगुन होता है ना, कि ये इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है. ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने चाक कराई, उसमें से भी एक आएगी. ओके सर. तो फाइव स्टार वाली प्रॉब्लम करा दी, दो थ्री स्टार वाली, एक सिंपल. तो देख लो फाइव स्टार के चांस ज्यादा है, थ्री स्टार भी है. हाँ एग्जाम्पल वन मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट आई नीड 100% अटेंशन स्टूडेंट्स. सिर्फ एक क्वेश्चन सीखना है मेरे बच्चों, और तुम्हें देखना बाकी सारे क्वेश्चन कैसे धड़ाधड़ होते जाएंगे अपने आप. ये क्वेश्चन है बेटा, मिलती है भाई. देखो ये प्रॉब्लम पक्का एग्जाम में 100% आती है ये प्रॉब्लम, और ये आपको करनी ही करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये एक जैसे मैं करूंगा ना, सारी वैसी होगी. तो पहले क्वेश्चन में एक स्क्रिप्ट आ जाती है आपके पास, कि ये स्क्रिप्ट है हमारी, राइट? तो वो स्क्रिप्ट क्या है देखिए प्लीज. पहले क्या करते हैं कोमल, ऑब्जर्वेशन करते हैं रफ में. एन को वन रखा तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है कोमल, तू तो बात कर मेरे से. एन को वन रख, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी एन को वन रख? ए वन वन हो जाएगा, तो रूट थ्री नहीं हो जाएगा? तो इट अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग ना. फर्स्ट टर्म वन आई है, सेकंड टर्म 1.732 हो जाएगी. तो ऐसे वैल्यू पुट करके हमने ऑब्जर्व किया कि इंक्रीजिंग है, राइट? और हमें लगाना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई लगा के करना है इसको प्रूव. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप वन, वी शो
क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया वी शो सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. दैट इज हमें क्या शो करना है बेटा, ए एन जो है छोटा बराबर है किससे, ए एन प्लस वन से फॉर ऑल द टर्म्स, राइट. एन बिलोंग्स टू नेचुरल. अरे क्या हुआ, यही शो करना है ना. हेलो. तो हमें जो स्टार्ट करना है ना बेटा, ए एन को छोटा बराबर एन प्लस वन पीएमआई से करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, राइट. तो हम बताएंगे एग्जामिनर को वी प्रोसीड, बहुत इजी है, बस मेरे साथ साथ ही करो. वी प्रोसीड बाय इंडक्शन, हम ये इंडक्शन से प्रोसीड कर रहे हैं, राइट. स्टेप वन फॉर एन इज इक्वल टू वन, याद है आपको, पहले एन के लिए, एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव करते हैं. अरे बोलो बच्चों, तो बताओ फर्स्ट टर्म हमारी वन है, एन को वन रखते ही क्या वो छोटा या बराबर सेकेंड टर्म से आ रहा है कि नहीं आ रहा. यस सर. विच इज ट्रू बाय ऑब्जर्वेशन, यस और नॉट. यस सर. नाउ वी अज्यूम फॉर एन इज इक्वल टू के, वी अज्यूम फॉर एन इज इक्वल टू के. अब हम एन इज इक्वल टू के लिए अज्यूम कर लेते हैं, क्या एन को के पुट करो इसमें, इसमें एन को अभी वन पुट किया था, अब के पुट करो. ग्रेट, ए के इज लेस देन इक्वल टू ए के प्लस वन, ये हमने अज्यूम करा बेटा, है ना, ठीक है ना. अरे करेक्ट है बेटा. अब इस लेफ्ट वाले को ना ये फॉर्मूला बनाना है जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया ना ये फॉर्मूला बनाना है लेफ्ट वाले को. तो ये फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या टू ऐड करेंगे बेटा, yes, है कि नहीं. yes, तो टू प्लस एक ही कर दिया. और नेक्स्ट स्टेप में, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, कर दो रिकॉर्ड टू प्लस ए के इज लेस देन इक्वल टू रूट टू प्लस ए के प्लस वन. अब बताओ इसको इस वाले फॉर्मूले से क्या बोलेंगे, इसको इस वाले फॉर्मूले से. ए के इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, ए के प्लस वन. अरे बोलो, तो देखो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव किया, n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम किया और फिर प्रूव कर दिया दिस इज ट्रू दैट ak इज आल्सो लेस देन इक्वल टू ak प्लस 1, दिस इज ट्रू फॉर ak, है ना. यस सर. सो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, है ना, अज्यूम किया ना देखो k के लिए, तो ये ak प्लस 1 है बेटा, ये सॉरी मेरी गलती होगी, नीचे आ गया था ना आप लोग, इसको बोलेंगे बेटा, गलती तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, सो रहे हो तुम लोग भी, इसको बोलेंगे ए के प्लस वन कोमल. ए के प्लस वन इज लेस देन इक्वल ए के प्लस टू आ गया ना बेटा, है ना. अरे ये ए के प्लस, हाँ ये ए के प्लस वन है ना ये वाली वैल्यू, तो ये के प्लस टू हो जाएगी. हाँ सो वी हैव प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के ऑल्सो, एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, के प्लस वन के लिए भी प्रूव कर दिया. तो ये पी एम आई से हमने क्या शो कर दिया, दैट दिस इज व्हाट. हाँ जी, अरे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो किया ना बेटा. Yes, sir. हाँ अब क्या शो करूं बता, bounded above. हाँ तो स्टेप टू लिखते हैं, चल. तो स्टेप टू टू शो, अब यहाँ एक खास बात है, टू शो सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबव. वैसे कोमल तेरे को जान पहचान की बात बता रहा हूँ,
जो ये टू होता है ना, इसके अंदर लिखा होता है, हम इससे बाउंड अबाउट दिखाते हैं हमेशा, लेकिन ऐसे तुक्का नहीं मारते, कुछ रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा। मान लो रफ में कर रहा हूं ये काम, जो भी कर रहा हूं रफ वर्क, ओके सर। मैंने इस पे लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगाया an+1 पे, तो √2 + an आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। ओके, मान लेते लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एल है, एल इजिकल टू √2 + l लगाया क्या, सो एल यस स्क्वायर माइनस एल माइनस टू आया क्या, तो क्या रूट्स आएंगे बताओ इस इक्वेशन के। ये रफ में क्या है, जो भी काम कर रहे हैं रफ में कर रहे हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू वी गेट हेयर। अरे लिमिट क्या आएगी, ये तो 0 आएगी, 2 आएगी, यस सर। तो 0 हो नहीं सकती, तो क्या होगी लिमिट, तो इसका क्या मैं 2 से बाउंड अबाउट दिखा सकता हूँ, जो लिमिट है उससे बाउंड अबाउट दिखा सकता हूँ कि नहीं बताओ। यस सर। मैं पहले भी तो यही कह रहा था तेरे को, मैं पहले भी यही कह रहा था कि मैं 2 से बाउंड अबाउट दिखा सकता हूँ। तो क्या किया मैंने चोरी से, क्या किया रफ में एक बार लिमिट निकाल ली कि इसकी लिमिट क्या आ रही है, उससे बाउंड अबाउट दिखा देते हैं। तो हम क्या शो कर रहे हैं कि सीक्वेंस एन इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, करेक्ट है जी। ये टू कैसे यस आया, सभी बच्चों को समझ में आई बात, सर। रफ में मैंने ऐसे लिमिट निकाली फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन को 1 रखो यहां पर, तो बताओ क्या फर्स्ट टर्म छोटी या बराबर 2 से है। अरे ऑब्जर्वेशन में देखना ना, फिर अज्यूम करो फॉर एन इज इक्वल टू के लिए, अज्यूम करो एन इज इक्वल टू के लिए, एन को के रखो यहां पर, तो अज्यूम कर लिया के टर्म भी किसी छोटी बराबर है 2 से। के नहीं रुक जा, के +1 के लिए प्रूव करूंगा अभी, पहले अज्यूम कर लिया के लिए, ठीक है ये बात, एन को के रख दिया, यस अब मुझे इसको ये वाला फॉर्मूला वापस बनाना है, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या ऐड करूं पहले इसमें, एन मतलब ए के टू बेटा सो जाओ सारे तुम लोग, फिर क्या लूं इसका बता फिर। अंडर रूट ओके अंडर रूट ले लिया, तो क्या राइट हैंड साइड में क्या आ गया, अच्छा हाँ तो क्या आ गया ये अब बताओ, ये क्या हो गया, ए के +1 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। इसका सो क्या हमने फिर से के के +1 के लिए प्रूव कर दिया, प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू व्हाट, के प्लस वन, तो इससे ना सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबाउ, यस और नॉट। यस सर। यस ओके, अब स्टेप 3 क्या कहता है, अरे इंक्रीजिंग था, बाउंड अबाउट दिखा दिया, स्टेप 3 क्या कहेगा, सर की एमसीटी थी मतलब हाँ कन्वर्ज कर करेगा, तो सीक्वेंस एन को क्या दिखा दिया, इज कन्वर्ज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव बाय बाउंडेड अबव बाय विच नंबर, 2। टू ठीक है, किसी पॉइंट बाउंडेड अबव, तो बाय विच थ्योरम, एम सी टी सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू अ लिमिट से एल है, यस सर। मान लो कन्वर्ज किस पे करेगा बेटा, ये एल पे करेगा, करेक्ट है ये बात, तो ए एन अगर एल पे करेगा तो ए एन +1 भी कहाँ करेगा बताओ, एल पे, ए एन माइनस वन भी कहाँ करेगा, एल पे, करेक्ट है। स्टेप 4, अब बताओ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ए एन +1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 + an था, क्या दोनों तरफ यस लिमिट सर। एन टेंस टू इनफिनिटी लगाता हूँ, अज्यूमिंग की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यस सर। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, हमने अज्यूम कर लिया ना ये बात, तो अब इस पे लिमिट लगा बेटा, क्या ये भी एल आएगा और ये 2 + l आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इज इक्वल टू, तो एल के 2 रूट मिलेंगे 0 और 2, और क्योंकि ए एन 1 से बड़ा बराबर है, फर्स्ट टर्म 1 है ना बेटा,
तो क्या क्या लिमिट जीरो हो सकती है एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और क्या भी है साथ में मोनोटोनिकली, तो इंक्रीजिंग ये तो लिमिट हो ही नहीं सकती बेटा, तो यस सर लिमिट क्या होगी इसका मतलब, क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया इजी है क्या? सर साग गधो, तुम तो डूब मरो चुल्लू भरवाने में। कुछ किया क्या तुमने इसमें? फॉर्मूला बनाने के स्टेप फॉलो करने, ये भी आसान नहीं है तो भाई कुछ भी आसान नहीं है, फिर तो छोड़ दो तुम पढ़ना। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आसान लगा तो ठीक वरना छोड़ दूंगा इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ ठीक है, करूंगा रहा हूँ शुरू दोबारा से। सर इसी बारी भाई सर आपने नहीं मैं नया कराऊंगा, मैं तो ये सर मैं आपको पहले इसकी फोटो खींच लो सारे पेजेस की, इसकी खींचो पहले फोटो, पहला पेज। डन सर दूसरा पेज, डन तीसरा, अब मैं जो करा रहा हूँ देख बोर्ड पे ध्यान से वापस। अब मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया है √7, और ये जो ले लिया है इसी में अल्टरेशन करके मैं इतने सारे अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, कंसेप्ट समझाना है वो समझाऊंगा। इसको 7 मान लिया, सारा काम खेल खेलना है। सबसे पहले स्टेप 1, व्हाट इज द फर्स्ट लिमिट? तो A2 क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। टू प्लस इसको नए क्वेश्चन पे ध्यान दे छोरी। सेवन प्लस अंडर रूट सेवन तो ये इंक्रीजिंग अंक होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, बोलो बेटा। इंक्रीजिंग होगा सर ऑफ कोर्स कुछ ऐड ही हो रहा है राइट, यस सर क्या शो करेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग शो करेंगे। वी प्रोसीड बाय यस विच मेथड? बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन से स्टार्ट करें। फर्स्ट टर्म क्या है? √7 है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 तो √7 छोटा बराबर सेकंड टर्म से है कि नहीं? यस सर अज्यूम यस करेंगे एन इज इक्वल टू के लिए कि ए के भी छोटा बराबर, एन को के कहाँ रख रहे हो? सब कुछ एन ही है, ये सब यहां रख रहे हो, एन को 1 भी यहीं पे रख रहे हो, के भी यहीं पे रख रहे हो आप। एन को के रखा तो ए के भी छोटा बराबर ए के प्लस 1 से है, अज्यूम कर लिया है हमने राइट। यस सर दोनों तरफ क्या ऐड किया जाए इस क्वेश्चन के हिसाब से? अंडर रूट सेवन अंडर रूट। सेवन अच्छा तुम नलायकों से पीछा छूटे तो सही मेरा कभी जिंदगी में। अबे गधो ये फॉर्मूला बनाना है, सेवन बन गया फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे इस फॉर्मूले को देख के बताओ, इसको क्या बोलेंगे? ए के प्लस 1 ना, यस तो सर ये ऑटोमेटिकली ए के प्लस 2 नहीं हो जाएगा? यस ये भी नहीं समझ में यस आएगा, आधो सर का तो कैसे बन गया ए के और ए के प्लस 1? अरे भाई यहाँ के प्लस 1 है तो यहाँ के है, यहाँ के प्लस 2 होगा तो यहाँ के प्लस 1 होगा। यस क्या हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दिया है? यस सर अब क्या दिखाना यस है? बाउंडेड अबव। अबाउट मैंने कहा यस था इसी नंबर से दिखाते हैं जो अंदर होता है, तो हम किससे दिखाएं बताओ यहां पर? थैंक सेवन यू, सेवन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एहसान मंद रहेंगे जिंदगी भर कि इस बार आपने बिल्कुल ठीक बोला है। तो बताओ 7, तो एन को 1 पुट करो इसमें, A1 छोटा है 7 से है ही, क्योंकि √7 तो बेटा 7 से छोटा ही हो बराबर होगा ना। यस अज्यूम कर लिया के के लिए, kth टर्म के लिए अज्यूम कर लिया हमने ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ओरिजिनल फॉर्मूला बनाना है, तो दोनों तरफ क्या ऐड करूं? तो इधर भी 7, 7 प्लस 7, इधर 7 था ये 14 हो गया राइट। ये ए के प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर और क्या यस सर √14 भी 7 से छोटा होगा? यस हे सर भगवान, तो क्या मैंने प्रूव ए के प्लस 1 के लिए भी कर दिया इसको?
अब क्योंकि इंक्रीजिंग भी है, बाउंड अबव भी है, कन्वर्ज करेगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट? लिमिट होगी ना, सर। तो लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। तो फॉर्मूला बहुत इजी, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। सेवन रखा, सेवन रखा, सेवन रखा, सेवन आ गया, तो एल की लिमिट आएगी तुम्हारे पास। तुम जब अच्छे से सॉल्व करके देखोगे अपने घर पे, मुझे भी नहीं पता क्या आएगी, करके देख लेना क्या आएगी भाई। करनी तुमने, मैंने थोड़ी करना भाई। यहाँ पर लिमिट निकाल लेना, ठीक है? तो जो लिमिट आएगी वो बता देना उसको, ये रूट निकालने पड़ेगा आपको ये थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं भी आया वो तो कुछ कर नहीं सकता अब तो। मुश्किल है क्वेश्चन, अब फिर से देख लो। अब कोई नहीं बोलेगा, बोला तो गालियां पड़ेगी। अरे स्क्रिप्ट है बेटा ये तो, सिर्फ मैंने स्क्रिप्ट लिख के दिखा दिया तुम्हें। क्वेश्चन देखिए एक और, कहता फर्स्ट टर्म है तुम्हारी 3/2 और n+1 टर्म है 2-1/an। शुरू करते हैं। शो सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू वन। क्या करें बताओ? पहले रफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? तीन दुनी छ, 4/3 डिक्रीजिंग हो गया ना। अरे नहीं हुआ डिक्रीजिंग, ये 1.5 है, ये 1.5 से छोटा हो गया ना, नहीं हुआ बड़ा, बड़ा हो गया। ये सब छोटा हो गया। जाओ बड़े जल्दी जाओ, गुड, यू आर सुपर इंटेलिजेंट। तो क्या शो करेंगे इस बार, डिक्रीजिंग शो करेंगे, इंक्रीजिंग शो करेंगे बेटा? बेटा चेक कर लो ढंग से, क्या शो करोगे आप? हेलो, बढ़िया सर। और सर हम तो हमेशा आपके दिल में हैं। हाँ क्लास ले रहा हूँ सर, क्लास चल रही है। हाँ, डायनेमिक प्रोग्राम में क्या कमी हो सकती है? 1 मिनट अभी टाइम दोगे, 2 मिनट का मुझे एक बार। ओके 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 ओके। पहले तुम सारे ये चेक कर लो बच्चों, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बच्चों पहले तुम सारे चेक कर लो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फिर बात करेंगे आगे। डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। पक्का तुमने ये बात की गारंटी ले ली ना? पक्का? यस सर। अभी कराता हूँ। अरे यार एक सेकेंड, एक फोन मार लो मैं। तो पहला स्टेप डिक्रीजिंग दिखाएंगे ना, मतलब क्या दिखाएंगे बताओ? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हाँ डिक्रीजिंग में आंटी क्या दिखाएंगे? ए के प्लस वन छोटा बराबर होगा ए के से ना, यस सर। ये दिखाएंगे। तो पहला स्टेप वन में तो ये दिखाएंगे बेटा, पहले एज्यूम करेंगे एन इजिकल टू, प्रूव करेंगे एन इजिकल टू वन के लिए, फिर एज्यूम करेंगे किसके लिए ये बता? K+1 के एन लिए। इजिकल टू के लिए एज्यूम करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ए के प्लस वन भी छोटा बराबर है किससे। अब इसको ये वाला फॉर्मूला बनाना है,
ये फॉर्मूला बनाना है ऊपर वाला, तो क्या वन अपॉन करूं पहले मैं इसको, दस तो यस सर, बड़ा बराबर 1/1, फिर क्या माइनस का साइन लगाऊं, बोल बेटा ऐसे लिखूंगा ना। अब ये बताइए ये क्या बन जाएगा, मान गए कि नहीं मान गए, यस सर, हो गया इंक्रीजिंग शो। क्या करते हैं पहले n इक्वल टू 1 के लिए करते हैं प्रूव, फिर अज्यूम करते हैं k के लिए, फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, करेक्ट है ये बात। यस अब बाउंड अप दिखाना है इसको, तो इस 2 से ही दिखाओगे तुम, तो आपको शो करना है कि an बाउंड बिलो, सॉरी ये शो करना है आपको। तो आप पहले n इजिकल टू 1 के लिए चलोगे, तो फर्स्ट टर्म किससे बड़ी बराबर है बताओ, 2 से है, छोटी है सर, मतलब तो फिर कैसे करोगे, बाउंड 3/2 से सारे टर्म्स पड़े हो, 3/2 से सारे टर्म्स बड़े हैं, बाउंडेड बिलो बाय 3/2 है। सॉरी 3/2 से सारे टर्म्स छोटे हैं, हाँ तो बाउंडेड बिलो किससे होगा, अरे बिलो भी तो लेना पड़ेगा ना, लिमिट निकाल ले रफ में, एक थोड़ा रफ काम कर ले थोड़ा सा। एल इज इक्वल टू 2 - 1/L, तो एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2L - 1, एल स्क्वायर माइनस 2L - 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आया बताओ, इक्वल रूट आएगा इसका, एल स्क्वायर माइनस 2L + 1 क्या आ रहा है बताओ, बोलो बेटा, वन बना रहा रूट है ना, यस सर, अरे बाउंडेड बिलो बाय 1 आ रहा ना, तो A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो यहाँ पर बेटा। अरे ठीक है, अब यस सर, अज्यूम फॉर एन इज इक्वल टू के, तो ए के भी बड़ा बराबर किससे होगा, पांच वन के, प्रूव करना है अब इसको, तो फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए पहले ए के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1/a के, करेक्ट, यस सर, 2 माइनस करूंगा तो ये आएगा, तो इसको ए के प्लस 1 बोलूंगा, ये भी किससे बड़ा बराबर आ रहा है, हो गया काम। नहीं यस सर, ये जो मैं कर रहा हूँ ये समझ में आता है क्या कर रहा हूँ ये, यस सर, तो बस एमसीटी से, क्योंकि इंक्रीजिंग भी है बाउंड बिलो भी है तो कन्वर्ज करेगा, लिमिट निकालो, तो लिमिट निकालो तो अज्यूम करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लास्ट स्टेप में ये दिखा देना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 इज इक्वल टू 2 - 1/an, और इस पे भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको एल मान लेना, 2 - 1/L जो रफ वर्क किया था, तो L²- 2L+1 = 0, तो L का रूट आ जाएगा 1 और कुछ और भी आएगा शायद, तो हम 1 रूट ले लेंगे, ठीक है 1 ही आएगा, तो L इज इक्वल टू, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, तो L - 1 का होल स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 1, रूट आ गया हमारा L इज इक्वल टू 1। इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फॉर्मेट ये चलेगा जो मैंने लिखा है, इस फॉर्मेट के आधार पे ही प्रूव होंगे सारे क्वेश्चन, क्या बिल्कुल मोनोटोनस से क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आपको मेनली दिक्कत आती है बाउंड बिलो समझ में नहीं आता है, तो या तो ये जो ब्रैकेट रूट के अंदर होता है वो नंबर लो, या फिर जो लिमिट आया वो ले लो आप, बात बन जाएगी आप, ठीक है। यस।
तो आपको नोट्स दिए हुए हैं, एमसीटी भी खत्म, ये भी खत्म, ये सारा यहाँ तक का खत्म हो गया आपका। अब रेशो थ्योरम होनी है हमारी, तो कल रेशो, कल सीक्वेंस, कल अलजेब्रा तो नहीं होगा ना, कल प्रॉब और दोनों ले लोगे, एनालिसिस और प्रॉब।